वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जॉब फॉर फ्रेशर कैंडिडेट, एक ऐसी समस्या जो पूरे भारत में सब लोग फेस करते हैं। यदि आपने अपनी एकेडमिक एजुकेशन समाप्त कर लिया है, टेक्निकल एजुकेशन आपने ले लिया है और जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज हम बताएंगे 9 डिपार्टमेंट जिनमें आपको अगर जॉब पाना है तो 9 डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट में कम से कम 10 से 12 पोस्ट होते हैं और कैलकुलेट आप कर सकते हैं यदि 9 डिपार्टमेंट हैं तो कितने पोस्ट हो गए। तो यदि आप इस 9 डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं तो निश्चित रूप से आपको यह जॉब मिलेगा और ये सभी जॉब फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए होंगे और ये सभी जॉब आपको SST इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा, SST ग्रुप्स प्रोवाइड करेगा बगैर किसी पैसे का। आपको कहीं भी किसी भी जॉब के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। तो यदि आप भी जॉब की तलाश कर रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक जॉब नहीं मिला, तो निश्चित रूप से आप बने रहिए हमारे साथ और आज नहीं तो कल आपको जॉब जरूर मिलेगा और हम तब तक आपका साथ देते रहेंगे जब तक आपको एक बेहतर जॉब नहीं मिल जाता है, वह भी बगैर किसी फी के, बगैर किसी कॉस्ट के। आपने पढ़ाई कहीं से भी किया हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से किया हो, कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो, तो यदि आप जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई फेस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बार अपनी CV, अपडेटेड CV आप हमें ज़रूर भेजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ यदि आप इस जॉब के लिए एबल हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस जॉब को लेने से नहीं रोक सकती है। लेकिन यदि आप में अभी कुछ न कुछ और मेहनत करने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं कुछ कमियां शेष रह गई हैं, तो निश्चित रूप से एक शब्द बनता है जिसे हम कहते हैं सॉरी। हो सकता है कि यह सॉरी शब्द आपके लिए न हो कि उन लोगों के लिए हो जिनको अभी और मेहनत करना है। तो जान लेते हैं उन सभी डिपार्टमेंट के बारे में जिनके बारे में हम जॉब के लिए आपकी मदद करेंगे। जी हाँ, इन 9 डिपार्टमेंट में हम आपको मदद करेंगे। वो 9 डिपार्टमेंट कौन से हैं इसको जान लेते हैं। पहला डिपार्टमेंट हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट, जिसे आप पोस्ट होगा HSC सेफ्टी ऑफिसर। दूसरा डिपार्टमेंट होगा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट, अर्थात फायर सेफ्टी ऑफिसर का पोस्ट होगा। तीसरा डिपार्टमेंट जो होगा इलेक्ट्रिकल सेक्शन होगा, इलेक्ट्रिशियन का पोस्ट होगा। चौथा डिपार्टमेंट आपका होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट, अर्थात AutoCAD का होगा, AutoCAD प्लानर का जॉब आपको मिल सकता है। और नेक्स्ट जो पांचवा डिपार्टमेंट होगा वो IT सेल का होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। वेब डिज़ाइनर का पोस्ट आपको मिल सकता है, वेब डेवलपर का पोस्ट मिल सकता है। और सातवें नंबर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा चर्चित और पॉपुलर होता है वह सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर का यानी सिविल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इट मींस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि 9 तरह के ये डिपार्टमेंट हैं। यदि इनमें से आप रिलेटेड हैं, इनमें से किसी भी तरह की आपने पढ़ाई किया है, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, आपने ITI कंप्लीट कर लिया है, आपने पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लिया है, आपने BTech कंप्लीट कर लिया है और जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक बार जरूर अपनी अपडेटेड CV SST ग्रुप को जरूर भेजें। SST ग्रुप आपको जॉब दिलाने में मदद करेगा बगैर किसी पैसे का। जी हाँ, मैं बार बार यह बात कहता हूँ कि बगैर किसी पैसे का किसी भी जॉब के लिए SST और SST ग्रुप्स आपसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं करती है, क्योंकि जॉब आपका एक राइट है, एक अधिकार है, जो अगर आप एबल हैं तो कंपनी आपको पैसे देगी, न कि आपसे कोई पैसा लेगा। यदि आप किसी भी तरह का पैसा कहीं देते हैं SST के नाम पे या SST ग्रुप्स के नाम पे, तो उसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि SST कभी भी ये नहीं कहती कि हाँ हम इस जॉब के लिए यह पैसा लेंगे और आपको जॉब दे देंगे, यह कभी भी नहीं कहती। अब मैं आपको बात करता हूँ कि आपको करना क्या है। यदि आप जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, इन कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, अपनी अपडेटेड CV को हमें भेज दीजिए, कंपनी आपको कॉल करेगी। यदि आपका CV सेलेक्ट होता है तो इंटरव्यू के लिए जाना होगा। आप किसी को कोई पैसा न दें। जी हाँ, देखिए इसमें एक पॉइंट भी मेंशन है कि आप किसी को कोई पैसा न दें। ध्यान रहे,
कोई भी कंपनी इंटरव्यू के लिए पैसे नहीं मांगती है। यदि आप किसी को पैसे देते हैं और पैसा डूब जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, आप खुद होंगे, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। यदि आप इंटरव्यू में फेल होते हैं तो घबराइए नहीं, अपनी कमियों को दूर कीजिए। निश्चित रूप से इससे भी बेहतर, इससे भी अच्छी सैलरी वाली नौकरी आपका इंतज़ार कर रही है। मेरा वादा है आपसे, आपको जल्द ही नौकरी मिल जाएगी, लेकिन कोशिश आपको करनी होगी। किसी एचआर को एक और विशेष आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मैंने किसी एचआर का मेल बताया या नंबर बताया या किसी से बोला कि इनसे कांटेक्ट करिए, तो प्लीज़ उसको बार बार फ़ोन करके आप उसे तंग न करें। क्योंकि देखो, अगर आपका सीवी सेलेक्ट हो जाएगा, यदि आप उस जॉब के लिए हैं, तो एचआर से लगाए, टेक्निकल से लगाए, कंपनी से लगाए, ये सभी लोग आपको बार बार फ़ोन करेंगे। लेकिन यदि आप सेलेक्ट नहीं होते हैं या आप उस जॉब के लिए एबल नहीं हैं या अभी कुछ कमियां हैं आपके अंदर, तो फिर कंपनी आपको कॉल नहीं करेगी, ना ही कोई एचआर डिपार्टमेंट आपको कॉल करेगा। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। अक्सर मैंने अभी देखा है, कुछ दिनों से, अभी विगत कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू के लिए हम लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें लगभग 60,000 लोगों के एप्लीकेशंस आए थे और उन एप्लीकेशन को हम लोगों ने हैंडल भी किया, सेलेक्शन भी हुआ और जो लोग उसके एबल थे, जो लोग उस जॉब के लायक थे, उनको उनकी अपनी मनपसंद जॉब भी मिल गई। तो डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि जिसको अगर आप उस लायक हैं तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ फेस किया कि जॉब जिन लोगों का सीवी सेलेक्ट नहीं हुआ है या किसी कारणवश उन्हें अभी वेट के लिए रखा गया है, वो बार बार फ़ोन करते हैं, बार बार मैसेज करेंगे, बार बार फ़ोन करेंगे, फालतू व्हाट्सअप करेंगे, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। जबकि आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो नेगेटिव होता जाएगा और यहाँ तक कि कम से कम जो 216 जो एचआर लोग हैं उनकी नज़रों में तो आपकी सीवी नेगेटिव ज़रूर हो जाएगी। तो निश्चित रूप से अपनी जॉब प्रोफाइल को नेगेटिव आप न करें। आपका काम है, अपनी सीवी आप भेज दीजिए, आप इंतज़ार करिए। अगर आप उसके एबल हैं तो निश्चित रूप से आपको कंपनी कॉल करेगी, आपको कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सीवी कहाँ भेजना है ये भी मैं बता देता हूँ। आपको सीवी भेजना है hrsstgroup@ssst4u.com पर भेजना है। और यहाँ पे जब आप सीवी भेजेंगे तो यह 9 डिपार्टमेंट के लोग और एक्सपर्ट उन सीवी को देखते हैं और तमाम तरह की कंपनियाँ जो एसएसटी से रिलेटेड हैं, एसएसटी से जुड़ी हुई हैं, उन कंपनियों में अलग अलग पोस्ट की आवश्यकता होती है। और उस पोस्ट के लिए यदि आपका सीवी हमें पसंद आया तो निश्चित रूप से आपको हम कॉल करेंगे, क्योंकि हमें एक अच्छे लोगों की तलाश है, अच्छे एम्प्लाई की तलाश है और आपको एक अच्छी सैलरी वाली जॉब की तलाश है। तो निश्चित रूप से आपकी भी तलाश पूरी हो जाती है और हमारी भी तलाश पूरी हो जाती है। इसी के साथ ही हम आपसे पुनः रिक्वेस्ट करेंगे, कभी भी किसी जॉब के लिए आप किसी को पैसे ना दें, ना तो रजिस्ट्रेशन के नाम पर और ना ही किसी अन्य नाम पर, ताकि हम आपका इंटरव्यू करा देंगे, आप मुझे पैसे दे दीजिए। इस तरह की बातों से ज़रूर आप सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ धोखा है, धोखा है, धोखा है, बाकी कुछ नहीं है। एक तो आपके पास जॉब नहीं है, एक तो आप बेरोज़गार हैं, उसके बाद इन तमाम तरह की मार ये आपको और भी परेशान कर देती है और एक अविश्वास पैदा करती है। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो लोग अच्छे लोगों की कद्र करते हैं, अच्छे एम्प्लॉय की कद्र करते हैं। तो अगर आप उस लायक हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, निश्चित रूप से आपका जो ड्रीम जॉब है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपसे ये निवेदन, आपसे ये रिक्वेस्ट, आप अपनी सीवी hrsstgroup@ssst4u.com पर ही भेजें, ना तो कहीं व्हाट्सअप करें, ना तो किसी अन्य मेल पर भेजें, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है, जो एचआर का एसएसटी ग्रुप है, इसी मेल पे आप अगर सीवी भेजते हैं उन सबको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और उन कंपनियों में चला जाता है जिनको नीड होती है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप
तैयारी करते रहिए। अगर कोई दिक्कत है, किसी तरह की समस्या आती है, तो निश्चित रूप से हमसे संपर्क करें। आप हमें लिख सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करेंगे और आपकी मदद करने में हम अपनी खुशनसीबी समझेंगे। इसी के साथ ही विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।